नगर निगम के द्वारा रेलवे बस स्टैंड पर यात्रियों के ठहरने के लिए अस्थायी रैन बसेरा बनाया जाएगा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि इस समय ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, ऐसे में सभी रैन बसेरों को सक्रिय कर दिया गया है। वहां पर साफ सफाई के साथ रुकने की भी सभी व्यवस्था की गई है। पीओ डूडा के साथ सभी 14 रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड पर काफी भीड़ होती है, जिसको देखते हुए वहां पर अस्थायी रैन बसेरा बनाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे सभी यात्री वहां पर रात्रि में रुक सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, देखिए अभी चूंकि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है और ऐसे में रैन बसेरों का को सक्रिय बनाते हुए उनका संचालन संपादित करवाया जा रहा है। हमने पीओ डूडा के साथ हमने सभी रैन बसेरों का निरीक्षण करवाया है। जहाँ जहाँ गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं वहाँ वहाँ पर हम उन सबको पूर्ति करा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हों। और बस स्टैंड के इसी क्रम में बस स्टैंड का जो रैन बसेरा उसको संचालित किया जाएगा, और भी जो रैन बसेरे लगभग 14 हमारे रैन बसेरे हैं उन सब में जरूरी बुनियादी सुविधाओं देते हुए उन रैन बसेरों का संचालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।